देखिए पैसे तो बहुत बहुत लगे और शायद मैं अपने आप को भी बेच दिया वहाँ पे। हमारा लगभग 50 लाख के अप्रोक्स लगा होगा। अब किस क्लब हो जाएगा, अब एनएसए हट जाएगा। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर मनीष कश्यप की केस को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह ने मीडिया को बताया है कि आज तमिलनाडु सरकार को मनीष कश्यप के खिलाफ सबूत पेश करने का आखिरी दिन था। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में मनीष कश्यप के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। इससे यह साफ जाहिर होता है कि मनीष कश्यप के वीडियो में कोई झूठ नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इतने दिनों से दो राज्यों की सरकार मनीष कश्यप को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी और इसी पर कोर्ट ने दोनों राज्य की सरकारों को जमकर फटकार लगाई है। और इससे अब यह साफ होते हुए नजर आ रहा है कि कल की सुनवाई में मनीष कश्यप पर एनएसए हटा दी जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, उधर बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मनीष कश्यप की रिहाई का कामना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कल के बड़े फैसले के लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कल मनीष कश्यप रिहा हो जाए तो सपोर्ट दिखाते हुए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।